तमाम लोग भूल भुलैया 3 देख लिए, लेकिन 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 बॉलीवुड वालों पाप लेगा तुम्हें सालों, 2 50 साल की औरतों से कत्थक करवाया है इन कमोनों ने। बाबा तृप्ति दिमरी की बॉयफ्रेंड की कसम खा के कह रहा हूँ, माधुरी मैम की कमर में लचका आ गया। लेकिन ये पैसों में अंधे मेकर टेक रिटेक ले लेकर जैसे तैसे विद्या एंड माधुरी का डांस ड्यूट करा डाला वो आमी जे तुम्हार वाले गाने में। बाबा कितना मेकअप एंड कितना सीजीआई इफेक्ट इस्तेमाल करके उस डांस परफॉर्मेंस के लिए इन दोनों को कम सीन के लिए बनाया गया है। खैर मूवी देख ली है भूलभुलैया 3 एंड बाबा दिल से बोल रहा हूँ एज लाइक ट्रेलर मूवी डिसअपॉइंट नहीं करके गई है, क्योंकि ट्रेलर देखकर मूवी ऑर्डिनरी ही लग रही थी लेकिन मूवी में इतना कुछ मिल जाएगा कतई उम्मीद नहीं थी। दिल से बोलूं भूलभुलैया का जो मिंट एंड थीम था उस लेगेसी की लाज बचाकर रख ली है कार्तिक बाबा ने एंड ऑल अदर कास्ट ने, प्लस इसकी स्टोरी राइटिंग ने, प्लस इसके ह्यूमर ने, प्लस इसके फन ने, प्लस इसके भाई मूवी दमदार है, बस इतनी सी बात है। देखो सबसे बड़ा स्ट्रगल आपका इस मूवी में रहेगा बाबू मंजुलिका कौन है, इतनी मंजुलिकाएं आखिर रियल कौन है इनमें। भाई फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ फुल कॉमेडी प्लस तस्री फाड़ हॉरर एंड उसके बाद इतना सस्पेंस, खुद मंजुलिका का सर घूम गया होगा कि राइटर क्या कर रहे हो बाबा, क्या करके मानेगा, जिस नाम की रोटी तुम खाने वाले हो उसको तो दिखा दो आखिर। मूवी में आपको ढेर सारा फन मिलने वाला है। दूसरा स्टोरी पार्ट जो लग रहा था कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी पर नहीं, स्टोरी भी दमदार है। स्टार्टिंग जो करी थी सॉलिड थी और आपको लगेगा कि इन्होंने तो शुरू में ही दिखा दिया कि ये मंजुलिका है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे मंजुलिका का ट्विस्ट बढ़ता जाएगा। और स्टार्टिंग से ही जो कॉमिक ह्यूमर डाला है इसमें वो और दमदार है। सिर्फ कार्तिक, विद्या, माधुरी या तृप्ति ही नहीं, सारी की सारी सपोर्टिंग कास्ट दमदार है, खासकर राजपाल यादव एच छोटा पंडित, संजय मिश्रा उर्फ बड़ा पंडित एंड वो पंडिताइन हमारी, ये तीनों पूरी मूवी में टाइम टाइम पर 4 चांद लगा कर रखेंगे। भला एक बार के लिए कहें कि जो बॉलीवुड अभी तक मिसिंग चल रहा था वो डिलीवर किया है इन्होंने। दिवाली इस साल फिर से भूलभुलैया की होने वाली है। स्टोरी फॉर्मेशन पार्ट बढ़िया था और 3-4 कॉमिक पार्ट तो और भी बेस्ट थे, जिसमें सबसे बेस्ट एंगल था वो जवान वाला मोमेंट, भाई वो सुपर अमेजिंग था, आपको मजा आ जाएगा। एंड ये सब बकलोली क्लाइमेक्स पार्ट के टाइम पर चल रही है जहां खौफनाक चुड़ैल मंजुलिका सामने खड़ी है एंड ये डिक्टो जवान कॉमिक ह्यूमर सेम टू सेम जवान की एंट्री वाला मोमेंट था, वो मजा आया भाई, वो वाला पार्ट दमदार था। ये स्पॉइलर हो गया, आगे कुछ नहीं बताऊंगा। बाकी क्लाइमेक्स की बात चली रही है तो बाबा बहुत प्यारा क्लाइमेक्स है। टाइम टाइम पर आपकी राय बदलती रहेगी कि अच्छा ये मंजुलिका है, नहीं नहीं ये पक्का होने वाली है, फिर पता चलेगा कि साला सामने ही तो था और हम यूं ही भटक रहे थे। मूवी ऑसम है, नो डाउट, जाओ देखो, थिएटर में देखने लायक मूवी है और खासकर पूरी फैमिली को लेकर जाओ क्योंकि बेस्ट फैमिली टाइम रहेगा इस मूवी का साथ आप लोगों का। बाकी और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा वरना स्पॉइलर दे डालूंगा, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता भाई, छोटा एंगल बड़ा ही प्यारा एंगल है इस मूवी का। हंसते सही में दिल पेट में दर्द हुआ है, इतनी तारीफें करता नहीं हूँ मैं खासकर बॉलीवुड मूवीज की, लेकिन बाबा इसने दिल लूटा है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने भूलभुलैया फर्स्ट पार्ट देखा था और वो मेरे दिमाग में अभी भी ताजा है, लेकिन उसको भी डोमिनेंट तो नहीं कहूंगा बट हाँ मैचअप करने की कोशिश करी, बट भूलभुलैया फर्स्ट की बात ही अलग है। लेकिन बाबा ये भी बहुत बहुत प्यारी मूवी है, जाओ देखो मजे लो। बाकी नेक्स्ट रिव्यू में मिलते हैं जो सिंघम अगेन का होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली वो रोस्ट रिव्यू ही होने वाला है क्योंकि उसकी लग रही है भाई बहुत बुरी तरीके से लग रही है, मैंने देखा नहीं अभी तक, देख के बताते हैं। मिलते हैं बाबा अगली वीडियो में, यहाँ तक पहुँच गए तो आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। जय हिंद।